एक ऐसे पिंड विच जो पिंड लगता कि अज तो 100 साल 150 साल 200 साल पुराना पिंड है। कोई नवा घर नहीं है, सारे पुराने घर ने, पर इस गरीबां दे घरां दे विच गुरु नानक साहब की रवाब अज भी साडियां इन्हां अखां तो ओले पई है। एदो वड्डा दुनिया का कोई खजाना नहीं लभ सकता जिहड़ा खजाना बाबे नानक दी रवाब तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई मरदानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। जिहड़ी आ रवाब है 1499 दे विच गुरु साहब जी ने भाई फरंदे तो बनवा के भाई मरदाने नूं दित्ती ते उस रवाब दा जिक्र मिलदा है कि उस रवाब दियां 6 तारां सी। भाई फरंदे जी ने 6 तारां दी रवाब बना के दित्ती सी भाई मरदाना जी नूं ते बाद दे विच भाई मरदाना जी ने 6 तारां तों 4 तारां 4 तारां तों 3 तारां वाली रवाब कीती जिसनूं असल फरंदे वाली रवाब कहा जांदा सी। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਜ ਕਰਵਾਈ ਆਪੇ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। जिस अस्थान के तुहानू दर्शन कराउण जा रहे हैं ये एक पिंड है जो अमृतसर तो 250 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के नेड़े पैंदा पिंड है। इस अस्थान पर गुरु नानक पातशाह जी की रवाब पई है, नाल ही इत्थे एक पानी का चश्मा भी है जो गुरु साहब वालों धरती चों फुटाया गया सी जिस तों अज भी इस पिंड के लोग वरतण दे लई पानी ले जांदे ने। सो बहुत कुछ अपने वालों कहण तों आपां तुहानू इस अस्थान के दर्शन करवाने हैं। वीडियो वध तो वध शेयर जरूर करो ता जो होर संगत भी इस अस्थान दे दर्शन कर सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आखिर मिल ही गई गुरु नानक साहब जी वेले दी रवाब। पहुँच चुके हैं जी अमृतसर तो 250 किलोमीटर अगे 100 किलोमीटर दियाँ पहाड़ियाँ पार करके एक ऐसे पिंड विच जो पिंड लगता कि अज तो 100 साल 150 साल 200 साल पुराना पिंड है। कोई नवा घर नहीं है, सारे पुराने घर ने, पर इस गरीबां दे घरां दे विच गुरु नानक साहब की रवाब अज भी साडियां इन्हां अखां तो ओले पई है। पूरियां इन्हां वादियां दे विच जदों आवाज़ गूंजदी है सत करतार घर घर विच पई है रवाब। और आप जी नूं और वीडियो वध तो वध शेयर करो जी पहली बार, क्योंकि इस तो पहला कदे भी वीडियो दे विच गुरु नानक साहब जी वेले दी रवाब नहीं आई। और ये सिखां दा पिंड है, सिखां दा महला है सारे सहजधारी ने ब्राह्मण ने, पर इन्हां दे इत्थे वजदी है रवाब जिहड़ी पिछले 500 सालां तो सदियां तो रबाबां वाले घर कह दी रबाबां वाला पिंड पहली जी ये आ गया जी। वो घर जिस घर विच पई है रवाब धन गुरु नानक साहब महाराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी कराओ दर्शन जी। ज्ञान चंद जी दे कोल रवाब पई है जी। ज्ञान चंद जी नाल पाठ तुसी पाठ करोगे सारा किदा कर देंगे जो उस कर दो पाठ पढ़ो नहीं है बोलो ज्ञान जी इथे आ गए बड़ा इथे आओगे आ जाओ जी आ जाओ अंदर आ जाओ एक से बैठे जाओ। अच्छा ये कर दे पाठ सारे कर रहे भी कर रहे हैं और वीडियो ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਵਾਬ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ।
उस समय की रबाब अज तक इस पिंड दे विच बजदी आ रही है जी। गुरु साहब ने पहली बार कहा सी चल मरदाने छेड़ रबाब तुरकी वाणी आई है। अच्छा जी, और वो सरंदा जी पुराना पहले पूरी सी है। अच्छा, फिर हौली हौली समय दे मकान डिग पे ना तो उदे टूटा। अच्छा जी, ये मकान डिगे हो गया था ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੇੜਾ ਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਕਈ ਦਿਨੋਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਗਰ ਦਾਦੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਣੀ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਸੋਰਵਾ ਭਾਂਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਦੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਜੀ ਰਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨ ਨਾ ਕੋਦੇ ਉਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਬਾਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨਿਹਾਲ एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरपै निरभउ कालजमी समां गहिले जुगाद सच बाबा नानक है भी सच का भी सच तमरी लगे प्यास निर्मल जोटो है प्रकाश अख सच साधन संते नी शर्मा रख। जय महाराज नमस्कारी जल जलगी प्राग बनेगी कौल फुलेगी शीश लागी बरसलगी चौड़ा धरती माता की मूर्ति दे रसनासने की जी दो परमेश्वर जी। जय महाराज गुर गंगे गुर पौर गुर की महिमा अमरा पावा ऊंचे उच पले आप समग्री की जावा कृष्णगरी मूंड मनाए कृष्णगरी छंचे लाए गोरखनगरी मूंड मनाए गोरखनगरी छंचे लाए हमारे गुरु हमारे चेले हम चलते भेले छोड़ो सुमारियाँ रंगली पुरारी ब्रह्म प्रावनी जिन्हें कामनी है कम कमाए जिन्हें चादा है राम बचाए आख दे सुन जी राजा राजा प्रहलाद किनिया करोड़ी सिजा पंजा करोड़ी राजा प्रहलाद सिजा पांचा पंद्रह करोड़ी दमाद साहब ने लिखा बीती गई पांचा पंद्रह करोड़ी अवा गाँव गई थी जिन्हें साधे सत रखे धर्म रखे कन्ने के भर पाए सुनगा पूरी झांची लाए जिन्हें मैं अपनी बात जिन्हें साधे गुरु जग नारायण ने सुनाए आठ दे के पंत उठाया त्रामे की मोर छुटी त्रामे के तत्त गास बने त्रामे का नौला प्याला बने त्रामे का घट भर गया था त्रामे का घट त्रामे का माठ त्रामे का आसन त्रामे का वासन त्रामे का लान त्रामे का प्लान चढ़िए शामी और ट्रा कोटरी पटवार कपड़े शामी के चढ़े सवाल के मार वाड़े द्वार पर उद्धार पर एक बाप जू सभी नाम मेरा सच है पीर नहीं आखिरी राजा दुष्टर देव की किया करोड़ी सिजे नवे करोड़ी राजा दुष्टर देव की सिजे नौ तेरा सताई करोड़ी जमात साहब ने लिखा भी थी नौ तेरा सताई करोड़ी अवा गाउन अवा गाउन रखे मतलब एक चर्चा सुनते ने वो अमर हुई जिसे के छुट्टे छुट्टे ही गए नौ तेरा सताई करोड़ी है नौ तेरा सताई करोड़ी अवा गाउन के जिन्हें साधन सत रखे धर्म रखे कन्नी हर पाए सुरकापुरी छंचे लाए जिन्हें साधन मराबरी पास जिन्हें साधन गोपलंग नारायण में तो लाए आख दे के पंथ उठाया उन्हें त्रामे जी मोह छुटी त्रामे के तत्काश बने त्रामे का नौला प्यादा बनया त्रामे का घट भरी गया छापया
मिट्टी का घट मिट्टी का मट मिट्टी का आसन मिट्टी का बासन मिट्टी का लान मिट्टी का फलान चलिए शामी कोटरा कोटरी बजबक है दवार कमीज के कपड़े शामी के चढ़े स्वर्ण के माल बाड़े द्वार पर मुखदार परे करबूर तन मनेड़ा पाप दूर सभी नाम तेरा सच है पीठो परमेश्वर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरपय निरभो काल जिनी सुगात ई जुगात बाबा नानक है भी सच भी सच तमरी लगे प्यास निर्मल साधु संतो एक मनी दुआ करनी भगवान की मत्था टेकना फिर बोलो वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी तू ही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। एक किन्ने सालां तो रबाब है इत्थे? हां जी ये बड़ा चिरा आया सर। अच्छा ये कोई कम से कम सर अच्छी कई कई पीढ़ियां को चार पीढ़ियां आया पिछले 400-500 साल हो गए। गुरु नानक देव जी 500 साल पहला इत्थे आए सी। नानक जी आए ऊपर हो जिते लिखिया है। हाँ जी गुरु नानक साहब जी उसके बाद उन्हें पहला थड़ा इत्थे रखा इत्थे थड़ा इत्थे सी उन्हें अपने मतलब जी की उनका ये था रवाब अच्छा ये थड़े दे उत्ते रवाब रखी सी कन्या है सब कुछ ते भी इन्हें इच्छा और गुरु नानक साहब जी ने की बचन किते सी उस तो बाद भी की करना नहीं मतलब बचन उन्हें ये कहते कि ऐसे मतलब जैसे उन बाबा नाथ के दो है ना वो के नाम बड़ लगे हुए सर उठे एक उन्हें उठला उड़े हा एक उठला उड़े सर उसके बाद ऐसे एक जगह हम छुट्टे से भी दिखे उन्हें तुसें एक जगह गोडा मारे दा उन्हें पहला ऐसा और चुंडा भी है उठे रोटी राटी बनाई छो उसके बाद पहले वैसे इच्छे आएगी पहले इच्छे भी है जे उठे अखरोट की तो नहीं है अखरोट की अखरोट ही नहीं है या पता नहीं शर के जी और ये ज्वाइंट कोई नहीं है ज्वाइंट कोई नहीं है मरदाना जी रवाब देखते रवाब इस तरीके और इत्थे रखण वाली जिहड़ी अजकल दीआं रवाबां ने ओह रवाब इदां बजाई जांदे अजकल ऐसे बजती है अफगानी रवाब है बैठो सामने सिस्टम बैठो ताकि रिकॉर्डिंग भी ठीक हो बाहर नूं मूव करो ठीक है बिल्कुल सारे सिस्टम बैठो ताकि पूरा ठीक ये सर इनका मतलब ऐसा था प्रसारण कीर्तन करते हैं
पिछली वीडियो आप जी ने दसिया कि अमृतसर तो 250 किलोमीटर से जो आप जम्मू जाने लखनपुर बॉर्डर आंदा लखनपुर बॉर्डर तो अगे आंदा जी सांबा सांबे तो उधमपुर तो बाद आप जी इस नगर विच पहुंच सकते। इस नगर का नाम के है शेर मजला बुजुर्ग की हिस्ट्री की है बोलते जाओ बोलो लाइव आ दुनिया दिखा दूं नहीं मैं तो सार बोलनी या नहीं नहीं एदी हिस्ट्री की है तरबाब किमें आई जी ये है भगवान जी दया करने कि जब एक छड़े आए थे एक गुरु नानक देव आए छड़े उठ पीछे उन्होंने बाद तो आए जिस टाइम उन्होंने मतलब अपनी देखा सलावना वो बिल्कुल इं गए उनके चार रूप अपना मतलब कोई पैर अठ होंगे थे नहीं उसके बाद उन्होंने मतलब जली छटियां दीदियाँ जिस टाइम एक बीजी दूई बीजी थी गुरु नानक जी वो पढ़ी उनकी जोतना जी थी और जी रूप था वो बड़ा शानदार हुई गया अच्छा हुई गया उसके बाद अच्छा होने के बाद उन्हें सलावना उठे नहीं इतने आए भी इच्छा ये बाद भी उठे रे बड़े दिन रह जे गुरु नानक होर थोड़े दिन रह जे एक जगह सुटे दे भी हैं और चुल्हे बना रहा उसके बाद गोडा मारे रहा उन्हें अपना तो वह दिखिया उन्हें जगह से बने चित्र तो साढ़े अच्छा शुरू हाले ये सही है सही भगवान जी दया करने उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये था पहले ये अपने आप रवाब बही रहा हाँ अपने आप वाहेगुरु दिखा दो सरन का सो हो किन्ने घर रबाबा पई ने होर कितने घर रबाबा है अजक रखते ने रबाबा काम करते नी घर ऐत परिवार सारे एक हो अच्छा। जेडे मेन काम करते बजुर्ग बेचारे हां सो गुरु नानक साहब जी इथे आए सी तीजी उदासी दौरान ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का आप जी लिखा होया ग्रंथ पढ़ सकते हो उहदे विच भी लिखा होया कि गुरु नानक साहब जी चिनारी आए तो इस तो बाद सगरोटे जिस नीचे गए सी उत्थे भी इतिहास जिहड़ा लिखा होया वो भी ज्ञानी ज्ञान सिंह का लिखा होया ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने इहदे बारे लिखा होया और ये घर जदों गुरु नानक साहब जी इत्थे आए उपर रहे इन्होंने वो जगह नूं बड़ा संभाल के रखा होया तो उस समय दे ही एक देखो इत्थे तां 1947 तो बाद नीचे सिख आए ने जदों उन्हां सिखां नूं पता लग्गिया जिहदे विच कि मोहन सिंह जी बागी सी भी इत्थे पाठ करदे ने ते क्योंकि अच्छा मैं तां समझा रहा आप जी नूं कि इह डोगरी बोली है डोगरी बोली जिहड़ी ओ समझ नहीं आउंदी आपां नूं ते गुरु नानक साहिब महाराज जी जदों इत्थे आए इत्थे कचूला भी बनाया इत्थे किसी दा जिहड़ा दुखी बंदा सी उहदा दुख भी दूर कीता और गुरु नानक साहिब जी ने फिर मूल मंत्र दा पाठ इन्हां नूं सिखाया और इन्हां नूं क्या कीर्तन करिया करो बाणी पढ़िया करो ते जांदे होए गुरु नानक साहिब जी और गुरु नानक साहिब जी दियां दे जिहड़े फरंदे वालियां तिन्न रबाबां दा जिक्र आउंदा जी
तो वह तीन रबाबा का जिक्र गुरु नानक साहब जी समय दिया आता जी। तो फिर गुरु नानक साहब जी जाते हुए क्योंकि इदों बाद सारा जो लेह लद्दाख तो कश्मीर तो घूमते हुए गुरु नानक साहब जी इत्थे आए जी। इत्थे आके गुरु नानक साहब महाराज जी इस तो बाद पंजाब चले गए जी। तो लास्ट बार इत्थे जाते हुए रबाब दे के गए जी। अज ये परिवार बड़ा है कि कह लिए कि भावें गरीब है पर गुरु नानक की असली दौलत पा के बैठा है। तो बाकी रही रबाब की गल, होर साड़ियां संस्थावां नूं बेनती है जिहड़े रागी सिंह ने उन्हां नूं बेनती है जिहड़े रबाबी सिंह ने ਉਹ ਆਉਣ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਇਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਅਲ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਬਾਬਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ 1400 ਸੀ, 1487, 1487 ਅਤੇ 1499। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰਬਾਬ ਹੈ ਇਹ 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਤਾਰਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਜੀ ਨੇ 6 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ 6 ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਤਾਰਾਂ, 4 ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਲ ਫਿਰੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਇਹ ਫਰੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਬਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਾਜ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਰੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰ ਰਬਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਬਾਬ ਚੱਕਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਜ ਕਰਵਾਈ ਆਪੇ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਬਾਬ ਜੀ, ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਪਾਇਆ
कर दो कोई बंद कर ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਭਉ ਕਾਲਮੀ ਸੁਭਾਗੇ ਲੈ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਕਵੀ ਸੱਚ ਤਮਨੀ ਲਗੀ ਲੜਮਣ ਜੋ ਦੁਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖ ਸੱਚ ਸਾਧਨ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰੱਖ ਯਾ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਜਗਤ ਲੈ ਗਈ ਸੱਤ ਲੈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਣ ਗਈ ਕੌਸਤ ਲੈ ਗਈ ਸੀਸ ਨਾ ਗੈ ਗਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਈ ਢੋਲ ਰਾਜ ਗਈ ਜਾਤੇ ਮਾਤਾ ਗਈ ਮੂਠ ਤੇ ਸੰਘਾਸ ਰਹੀ ਜੋ ਬਣ ਗਈ ਸਜੀ ਯਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਸ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਗੁਰ ਗੰਗੇ ਗੁਰਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਹਿਮਾ ਹਮਰਾ ਪਾਵਾ ਮੁਝੇ ਉਜੇ ਬੰਦੇ ਆਤਮਕੀ ਤੀਰ ਜਜਾਵਾ ਕਿਸ ਨਗਰੀ ਮੂਡ ਮਨਾਏ ਕਿਸ ਨਗਰੀ ਸੰਜੇ ਲਾਏ ਗੁਰ ਨਗਰੀ ਮੂਡ ਮਨਾਏ ਗੁਰ ਕੜਗਰੀ ਸੰਜੇ ਲਾਏ ਮਾਰੇ ਕੁਮਾਰੇ ਜਿਹੇ ਆਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਸੁਮਾਰੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਮੁਠਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕੰਮ ਕਮਾਏ ਜੋ ਰੰਗਲ ਜਾਏ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਰਮਾਏ ਸੁਰਖਾ ਪੁਰੀ ਸੰਜੇ ਲਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਜਗ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਰੀਆਂ एक बारी एड्रेस जहाँ का बोल दीजिए ठीक है सर जहाँ से किसी को किसी श्रद्धालु को जहाँ आने की कोई मन में ख्वाहिश हो तो वो उधमपुर से गोल्डी की तरफ आए गोल्डी की तरफ रोड आता है उसके बाद है जो लंका से शेर मंजिला का रोड है सो शेर मंजिला पिंड का नाम है जी शेर बाला भी शायद शेर बाला दे नाम ते भी एक जगह हैगी है स्कूल दे कोल बाला मरदाना आप गल करिए शेर बाला ये शेर मंजिला पिंड है जी फिर मैं एक बार दोबारे एड्रैस दस देवां लोकेशन पा देवांगे जी इस जगह दी उत्ती ते एक बार फिर मैं उपर नंबर इत्थे लिख देवांगा तुसीं जी अगर इस स्थान